स्टेटमेंट दें। जी जी सेनेटर लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब चेयरमैन बस ऑर्डर करवा रहा हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन अब खड़े हैं मैं क्या। जी जनाब चेयरमैन तशरीफ रखें। जी जनाब चेयरमैन अपोजिशन लीडर साहब ऐसे वो वोट करा रहे हैं। सर मेरी बात सुने सर, यहाँ पे सर मेरा नाम है इसमें, मुझे सर नाम है लेकिन अभी इस पर बात तो नहीं होती है ना। जब मिनिस्टर ने अपोज कर दिया तो जी तशरीफ रखें। जी सर ये लोगों को एक मिनट सुन लें जी, फिर उसके बाद वोट करेंगे। एक मिनट जी। जी सर मुझे एक मिनट ऑनरेबल अपोजिशन लीडर प्लीज प्लीज सर इस हाउस को ऑर्डर में करें। सर आप बात करें, हाउस ऑर्डर में बैठे जी, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर सेनेटर केशुबाय तशरीफ रखे हैं। बहरामन तंगी एक मिनट सुन ले पर वोट कर लेते हैं। एक मिनट प्लीज। जी जनाब चेयरमैन सर एक मिनट के लिए अपोजिशन लीडर को सुन ले क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट सुन ले अपोजिशन लीडर को, मैं भी टाइम दूंगा, प्लीज तशरीफ रखें। जी प्लीज एक मिनट सुन ले ताकि इस पर वोटिंग हो सके, प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू जी। जी जी अपोजिशन लीडर साहब जी प्लीज सर, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर प्लीज। आप लोग भी यही करते हैं इसलिए तो हो रहा है ना, आप तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहां पर अभी जो एक अलिफ लैला की कहानी हमने सुनी उससे अवाम के सामने इन्होंने खुद अपना असली चेहरा दिखा दिया। इन्होंने खुद अपना असली चेहरा अवाम के सामने अपनी जबान से दिखा दिया है। पहला जुमला क्या बोला सर, पहला जुमला सर क्या बोला सर, पहला जुमला बोला है कि आईन के ये आर्टिकल्स क्या है जहां पर भी छाप दें। सर यही तो हमारा रोना है, आपके नजदीक आईन के आर्टिकल्स की छापने से ज्यादा कोई हैसियत ही नहीं है। कल आईन की बरसी, कल आप आईन की बरसी मनाएंगे कि सालगिरह मनाएंगे, मुझे बताएं। अपने अमाल देखें, आपने इस सरजमीन को सरजमीन बेआईन बना दिया हुआ है और आज आपने अपने मुंह से खुद मान लिया है कि सवाए ये इस पर छापने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। सर ये है इनका चेहरा जो इन्होंने अपने खुद अपनी जुबान से अवाम के सामने पेश किया। दूसरी बात सर, दूसरी बात बात हो रही है आटे की, बात हो रही है अवाम की इज्जत नफ्स की, बात हो रही है अवाम की महरूमी की। लोगों की इज्जत नफ्स को इन्होंने खंभे पर टांग दिया और लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया और अभी भी शर्म नहीं है कि दफा करें। ये उस मलका से भी आगे है जो कहती थी केक खाए, ये कहते हैं अब केक खाए। बात और बात घूम फिर के फंडिंग और वो ब्यूरोक्रेटिक जबान, फंड्स की एलोकेशन। सर मैं इनसे पूछता हूं, आपकी इतनी भारी बरकम काबीना, उसकी गाड़ियां, उसका स्टाफ, उसके लिए फंड्स की एलोकेशन रातों रात हो जाती है, इलेक्शन के लिए नहीं हो सकती, अवाम के आटे के लिए नहीं हो सकती, अवाम की रोटी के लिए नहीं हो सकती। यह है आपकी तरजीहात जिसका आपने खुद बयान किया। सर मुझे बात करने दे सर, इतनी इतनी लंबी गलत बयानी सर उन्होंने। सर यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन करें इसलिए मैं प्लीज जी गुजारिश सर। जी सर अब आप तशरीफ रखें प्लीज कादर सर। हर बात का एक जवाब दिया गया, हर बात का एक जवाब दिया गया कि बेनजीर का नाम होगा तो बात आगे चलेगी। अपने लीडर की आपने अगर इज्जत करनी है, हम आपके लीडर की इज्जत करते हैं, मगर इस लीडर की इज्जत सर उसके उसके अखबार के ऊपर काम करने से होती है, तस्वीरें लगाने से या नाम छापने से नहीं होती है। तो अगर आपने करना है तो फिर उस पर आगे करके दिखाएं। सर एक बात सर, यहां से तोहमत लगी है सर, यहां से तोहमत लगी है, मैं उस पर सख्त एहतजाज करता हूं। किसने इनको राइट दिया है कि ये कहें कि आपने झूठी स्पीच की है? सर इसका हलफ करें। सर किसने इनको राइट दिया है? सर यही तो रोना है, मैंने उस दिन भी कहा था ये सर इनका माइंड सेट है, ये अपनी अदालतें लगाते हैं, थैंक यू सर, फैसले सुनाते हैं, ये कहते हैं कि ये ठीक है ये गलत है, यही सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, यही आवाम के। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इक्तदार की
इक्तदार में ये अंधे हो चुके हैं और इस वक्त ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। सर, एक सिंपल सी बात हुई है इस रेजोल्यूशन में एक सिंपल सी बात हुई है। अपोजिशन लीडर खड़े हैं जी, आप क्या बात कर रहे हैं? तशरीफ रखें जी, खुद आप अपने अपोजिशन लीडर के एहतराम नहीं करेंगे और कौन करेगा? दोस्त महबूब खान, तशरीफ रखें। इस रेजोल्यूशन में एक सिंपल सी बात यह की गई है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमने ये करके दिखाया है। मत लोगों की चादरें खींचें, मत लोगों को जिंदा दरगोर करें, मत उनकी तस्वीरें बनाएं, मत आके फोटो सेशन करें, तोड़े हाथ में उठाकर लोगों को रोटी नहीं मिली। और सर ये भी मैं बता दूं, फ्रॉड क्या हो रहा है? फ्रॉड ये हो रहा है कि उस आटे की बोरी के अंदर क्या है सर? सर उसके अंदर भी जो गंदम है वो भी इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। सर ये इनको थोड़ी सी है, मैं समझता हूँ रमजान का महीना है, अल्लाह को जान देनी है, सबने हमने अपनी कब्रों में जाना है। इख्तदार के लिए इतने झूठ मत बोलें कि आप इंसानों की इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। सर थैंक यू सर, कोई फंडिंग का मसला नहीं है जब आवाम को रोटी देनी हो, कोई फंडिंग का मसला नहीं है सर जब आईन कहता हो कि आपकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर साहब, सर आखिरी बात, सर आखिरी बात यह है कि कल इस हुकूमत का एक साल पूरा हुआ, एक साल एक तारीख को सर मुकम्मल हुआ, और उस एक साल के अंदर ये कई दहाइयां इस मुल्क को पीछे लेकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज कौम के सामने इनका चेहरा नजर आ गया, और मैं सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं सब मीडिया को सारी कौम को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज इस रेजोल्यूशन में जिसमें अवाम देने की बात की गई है, ये उसकी मुखालफत करेंगे और अवाम इनका फैसला करेंगे कि ये मुखालफत करेंगे। थैंक यू सर।